हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। दोस्तों, प्रोजेक्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो ट्वेल्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, लेकिन स्टार्ट से आपको इसके बड़े ध्यान से समझना है। थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला टॉपिक है जिसमें अपन को इमेजिन करना पड़ेगा। बड़े ही आसानी से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है कि 3D में आपका एक भी नंबर ट्वेल्थ NCERT में बोर्ड में नहीं कटने वाला, मेरी गारंटी है। लेकिन वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चीजों को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है। साथ में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें से आपको नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक भी वहां पे है, तो वो भी देख लेना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है कैसा वीडियो आपको लगा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। लेट्स सी, प्यार से थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को अपन 3D भी बोलते हैं। जैसे टू डायमेंशनल को 2D बोल देते हैं, वैसे थ्री डायमेंशनल को 3D भी बोलते हैं। साथ में इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा था, वो भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये मान के चल रहा हूं कि आपने 11th में पढ़ा और आपको आता है, बहुत ही आसान चीजें थी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन डायरेक्शन एंगल से, बहुत ही बेसिक चीज है डायरेक्शन एंगल, आसान सी बेसिक सी चीज है। यहीं से आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है और चीजों को कॉन्सेप्ट्स को बड़े ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। लगेगी बहुत आसान, ये मेरी गारंटी है आपको बहुत आसान लगने वाली है, तो आपको बड़े ध्यान से और प्यार से देखना है। तो व्हाट इज डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल क्या है, सिंपल सी चीज। क्या करते हैं अपन, जब 3D की बात कर रहे हैं तो अपने पास तीन एक्सिस होने चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, अपने पास तीन एक्सिस होने चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। डेफिनेशन देनी है डायरेक्शन एंगल क्या होता है, तो क्या करना है, ओरिजिन, ये ओरिजिन जो 0 0 0 होता है, ये ओरिजिन ओ, इस ओरिजिन से एक लाइन इस डायरेक्शन में पास हो रही है, इस ओरिजिन से एक लाइन इस डायरेक्शन में पास हो रही है। दोस्तों ध्यान से देखना, ये इस डायरेक्शन में एक लाइन जा रही है, कहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है। मेरे शब्दों पे, मेरे वर्ड्स पे फोकस करना, एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन है, नंबर वन बात, एक लाइन है जो डायरेक्टेड लाइन है, यानी उसमें डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन है उसकी। कहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है मेरे भाई, ओरिजिन से जा रही है। तो एक लाइन है जो डायरेक्टेड है, उसमें डायरेक्शन है, वो ओरिजिन से जा रही है और एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल, एंड डियर स्टूडेंट यहां से चल के यहां, यानी जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है। डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन है जो डायरेक्टेड है, जिसमें डायरेक्शन है, तो डायरेक्टेड लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है, तब ये क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन एंगल कहलाएंगे। यानी कोई लाइन जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाती है, अल्फा बीटा गामा अपन अज्यूम कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन एंगल कहलाएंगे। दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन एंगल कहलाएंगे। सो स्टूडेंट्स, क्या डेफिनेशन बनी कि डायरेक्टेड लाइन, जो डायरेक्टेड लाइन थी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है मैक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यही तो बोला था मैंने कि डायरेक्टेड लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है, तो ये क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। अपन आगे लिख सकते हैं आर कॉल्ड डायरेक्शन और एंगल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डी लगा के, डायरेक्शन एंगल्स। तो यहां तक पिक्चर आपकी क्लियर है कि भैया डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं। नंबर वन, अब देखो नंबर वन कंसेप्ट पढ़ने के बाद डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, नंबर टू में इसी कंसेप्ट को रिवर्स कर देते हैं। सोचना कैसे, ध्यान से देखना थोड़ा, ये लाइन थी,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बना रही थी, ध्यान से देखना। ये मैंने क्या करा, ये ऐसे था, है ना, जैसे ये लाइन थी ऐसे, ध्यान से देखना। मैं अब क्या करता हूँ, टू डायमेंशन में यही चीज आपको समझाने का प्रयास करता हूं थोड़े से अलग तरीके से। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, और जो ये z एक्सिस होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये ऐसे, ये z एक्सिस जिसको अपन ने यहां शो करने की कोशिश करी थी, है ना, 3D में, तो ये ऐसे z एक्सिस होता है, ये यू जाता है यू, और z डैश कहां होता है, इस बोर्ड के पीछे की तरफ यू जाएगा, यू ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा, यू जाके यहां से निकलेगा बिल्कुल ओरिजिन से। तो ओरिजिन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है जो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, और इसके अपोजिट चले तो नेगेटिव होता है। यहां मैंने केवल 2D डायग्राम लिया है क्योंकि 3D में अपन को समझना पॉसिबल नहीं है, मैं 2D से ही समझा देता हूं। ये लाइन थी, ये सपोज एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही थी, जब इसकी डायरेक्शन इधर थी। अब सपोज ये डायरेक्शन इधर नहीं हो के इधर होती, सुनना बात को ध्यान से, इस लाइन की डायरेक्शन जो ओरिजिन से पास हो रही है उधर नहीं होके इधर होती, ये तो नहीं होती डायरेक्शन, ये होती सपोज, तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाता मेरे भाई, एक्स एक्सिस से एंगल ये था अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे भाई, जब वो डायरेक्शन थी तो एंगल था अल्फा, जब ये डायरेक्शन है तो एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। पिक्चर क्लियर भैया? डायरेक्शन को जैसे ही टर्न मारा, रिवर्स मारा, इधर लाइन चलने लगी, लाइन का उधर का मतलब लाइन, ये लाइन नहीं होके लाइन की डायरेक्शन यू होती, इस डायरेक्शन में लाइन बढ़ती। सपोज समझो इस बात को, एक लाइन इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और एक लाइन उस डायरेक्शन में बढ़ रही है। पिक्चर क्लियर है ना मेरे भाई? यहां से स्टार्ट होके उस डायरेक्शन में जाएगी, एक इधर से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में आएगी। ऐसे ही जब लाइन उस डायरेक्शन में जा रही थी तो अल्फा ये बना, और जब लाइन इस डायरेक्शन में है तो एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनेगा, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक पूरा क्या होता है, ये पाई, ये अल्फा है, तो ये क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। यानी अब एक्स एक्सिस से एंगल की बात करें, यानी डायरेक्शन एंगल की बात करें कि डायरेक्शन एंगल क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे इस कंडीशन में, पाई माइनस अल्फा। अब अल्फा नहीं होगा, जब ये डायरेक्शन लेंगे तो पाई माइनस अल्फा। ऐसे ही ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना था, बीटा, लेकिन अब वाई एक्सिस से कैसा एंगल बनाएगा, यहां से यहां तक बना रहा है, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से स्टार्ट होके यहां तक पाई था, उसमें से बीटा माइनस कर दे तो ये वाला क्या बचेगा, पाई माइनस बीटा बचेगा। ऐसे कैसे ही जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही थी, तो अब जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, पाई माइनस गामा बनाएगी। तो दोस्तों डायरेक्शन एंगल समझो, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा, ये हुए मेरे डायरेक्शन एंगल्स, कब, जब मैंने लाइन की डायरेक्शन बदल दी। और जब लाइन की डायरेक्शन नहीं बदली थी तो मेरे पास डायरेक्शन एंगल क्या थे, जब डायरेक्शन एंगल इस कंडीशन में क्या थे, इस कंडीशन में मेरी लाइन इधर जा रही थी, तो मेरे पास अल्फा, बीटा और गामा डायरेक्शन एंगल थे। और लाइन की डायरेक्शन को रिवर्स करते ही पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा डायरेक्शन एंगल हुए। क्यों हुए, डेफिनेशन से हुए। डेफिनेशन क्या थी कि ओरिजिन से एक डायरेक्टेड लाइन पास होती है, वो एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से जो जो एंगल बनाएगी वो रेस्पेक्टिवली उनको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल बोलेंगे। तो ये एक्स एक्सिस से ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है मेरी, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, पाई माइनस अल्फा। वाई एक्सिस से कितना बना रही है, पाई माइनस बीटा। तो सिमिलरली जेड एक्सिस से कितना बनाएगी, पाई माइनस गामा। तो एंगल क्या हुआ, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। तो पिक्चर क्लियर मेरे बाबू, पिक्चर क्लियर। तो भाइयों ये पिक्चर आपकी क्लियर हो गई पूरी डायरेक्शन एंगल की, वन एंड टू की। डायरेक्शन एंगल पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, कि डायरेक्शन, डायरेक्टेड लाइन की डायरेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल निकाल लो, वो डायरेक्टेड एंगल होंगे या डायरेक्शन एंगल होंगे। तो यहां तक आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं, और वैसे आपको नोट्स में यह सब कुछ मिल जाएगा। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, लेट्स सी नंबर थर्ड पे चलते हैं। ये है नंबर थर्ड, थोड़ा डिजाइनिंग में आ गया, फैशन में आ गया। तो नंबर थर्ड में लाइन इन स्पेस डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। अगर कोई लाइन है स्पेस में, जैसे ये स्पेस है सारा का सारा, इसमें ये लाइन है सपोज इधर जा रही है, अब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही। आप कहोगे गुरुदेव क्या फर्क पड़ता है,
ओरिजिन से निकले या कहीं और से निकले, आपको फर्क क्या पड़ता है? भैया फर्क ये पड़ता है, डेफिनेशन बोलती थी डायरेक्टेड लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो डायरेक्शन एंगल होंगे। डेफिनेशन थी माई फ्रेंड्स कि एक लाइन होगी भैया, एक लाइन होगी, एक लाइन होगी, एक लाइन होगी। जी सर बिल्कुल एक लाइन होगी, और वो लाइन कहां से पास होगी? वो लाइन पास होगी दोस्तों ओरिजिन से। लाइन कैसे होगी? डायरेक्टेड। और वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वही एंगल क्या होंगे? डायरेक्शन एंगल होंगे। आप कहोगे सर फिर तो दुविधा में फंसा दिया आपने, हैं? ये आप कंफ्यूजन वाले काम करते हो हमेशा। अरे भाई ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन आए नहीं उसके काम कर रहे हैं अपन। तो लाइन स्पेस में हो, ओरिजिन से पास नहीं हो, तो डायरेक्शन एंगल कैसे निकालोगे? सपोज मैंने लाइन ली ऐसे, सपोज अपन एक लाइन लेते हैं। अब क्या करते हैं, 2D में समझते हैं थोड़ा, है ना। 3D में जेड एक्सिस को आप थोड़ा भूल जाओ, है ना। जेड एक्सिस का रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा जैसे मैं बता रहा हूं, ये वाई, ये वाई रेस। जेड एक्सिस सपोज ऐसे है, ये हवा में ऐसा। ये सपोज लाइन थी आपकी, ये लाइन ऐसे, ये लाइन थी, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई लाइन, ये लो खड़ा। ये लाइन थी, ऐसे करने का मतलब डायरेक्शन इधर है भैया। अब अपना डायरेक्शन एंगल का फॉर्मूला होता था, डायरेक्शन एंगल की डेफिनेशन होती थी सॉरी क्या, कि ओरिजिन से पास होने वाला लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगी। अब लाइन तो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो डायरेक्शन एंगल कैसे निकालें? तो भैया इस लाइन को आप पैरेलल, इसके पैरेलल रखो और बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ाते 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 तब तक बढ़ाओ जब तक ये ओरिजिन के पास, ओरिजिन से पास नहीं होने लग जाए। चलो मैं और एग्जांपल लेता हूं, इसको समझाता हूं आपको। देखिए दोस्तों ये वाली लाइन थी, है ना, कृष्ण भगवान की बांसुरी है ये, है ना। मैं कृष्ण भगवान से मिला था तब उन्होंने मुझे दी थी, है ना। ये पुरानी बात है, कभी बाद में चर्चा करेंगे इसकी। ये लाइन है सपोज, और ये जो कृष्ण भगवान की बांसुरी का ये सिरा है वो क्या है, वो इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। देखो बिल्कुल डायरेक्शन की तरह यो यो छू, बिल्कुल रॉकेट बनने के लिए तैयार है, ऐसे उड़ेगा रॉकेट छू ऐसे। तो देखना ये था, अब मैं क्या करूंगा, इसको पैरेलल, इसके पैरेलल यो 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 चलता 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 बिल्कुल यहां आ जाऊंगा। अब दोस्तों ध्यान से देखना आप इसको, ये ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। तो एक लाइन जो इसके बिल्कुल पैरेलल हो, पैरेलल इसको लाते 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 यो, है ना, पैरेलल बन गई क्या? बिल्कुल बन गई होगी यार, ये थोड़ी टेढ़ी है लाइन, है ना, इसको सीधी करो थोड़ी, ये लो ये सीधी। तो अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, मैंने यहां से ऐसे ऐसे कृष्ण भगवान की ये बांसुरी बन गई मेरी डायरेक्टेड लाइन, इसको लाता 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 ओरिजिन पे आते ही रोक दिया। अब एक चीज का ध्यान देना दोस्तों, ये लाइन अगर ये एंगल अल्फा है तो डियर स्टूडेंट्स ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। सोचो क्यों होगा, 9-10 में एप्लीकेशन आपने पढ़ी है, ये दोनों कौन से एंगल है आपको पता है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों पैरेलल लाइन है। ये एक इसको, है ना, इसको एक लाइन काट रही है ऐसे दो पैरेलल लाइन को, तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं, 9-10, 8 में आपने पढ़ा है। दूसरा ये एंगल अगर बीटा है तो ये लाइन भी वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? बीटा ही बनाएगी, जैसे अल्फा बना था। इसका मतलब अगर ये लाइन, ये लाइन अल्फा बीटा गामा, या ये मान लो अल्फा डेस बीटा डेस गामा डेस एंगल बनाती है, तो ये वाली लाइन भी एक्स वाई और जेड एक्सिस से अल्फा डेस बीटा डेस गामा डेस एंगल बनाएगी। तो कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब, कंक्लूजन इसका क्या निकला भैया? इसका कंक्लूजन निकला कि स्पेस में कोई भी लाइन दी हुई है तो उस लाइन को पकड़ो और उसके पैरेलल लाते लाते उसको ओरिजिन से पास करा दो। अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन अगर एक्स एक्सिस से अल्फा डैश एंगल बनाती है तो ये वाली भी अल्फा डैश बनाएगी, ये वाली बीटा डेस बनानी है तो ये भी बीटा डेस बनाएगी, ये वाली गामा डेस बनाएगी जेड एक्सिस से तो ये भी गामा डेस बनाएगी जेड एक्सिस से। तो इस वाली लाइन के डायरेक्शन एंगल्स क्या है? अल्फा डेस बीटा डेस गामा डेस।
तो इस वाली लाइन के भी डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे बच्चों? अल्फा डेस, बीटा डेस, गामा डेस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये लाइन अगर एक्स एक्सिस से अल्फा डेस एंगल बनाएगी तो ये वाली लाइन भी एक्स एक्सिस से अल्फा डेस एंगल बनाएगी। तो अपनी डेफिनेशन भी रह गई और बात भी समझ में आ गई कि अगर स्पेस में से कोई लाइन पास हो रही है तो उसको ओरिजिन से लाके पैरेलल लाके इसके पैरेलल ला लाते ओरिजिन से पास कराओ, इसके इसके डायरेक्शन एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। तो भैया आप समझ गए बात को? तो कुछ प्यार भरी दो तीन पंक्तियां मैं आपके लिए लिखना चाहूंगा। सो स्टूडेंट्स, दो प्यार भरी लाइनें मैंने आपके लिए लिखी कि ड्राई लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन पैरेलल टू गिवन लाइन। अगर आपको एल्गोरिथम देखें कि ऐसी लाइन दे रखी है जो स्पेस से, इससे एल्गोरिथम क्या होगा इसका, है ना? एल्गोरिथम ये होगा कि लाइन स्पेस से पास हो रही है और ओरिजिन से पास नहीं हो रही। स्पेस में एक लाइन है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही, उसके आपको डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? डायरेक्शन एंगल। तो सिंपल सा है, पहला काम करना है एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ओरिजिन से पास हो, साथ साथ पैरेलल टू गिवन लाइन, जो लाइन दे रखी है उसके गिवन लाइन के पैरेलल हो, यही तो काम हमने किया है। सेकंड में फ्रॉम डायग्राम, इस डायग्राम से टू पैरेलल लाइन है उस सेम डायरेक्शन एंगल। इस डायग्राम से हमने समझा कि दो पैरेलल लाइन होते हैं उनके डायरेक्शन एंगल सेम होते हैं, तो इस तरीके से आप जो लाइन स्पेस से पास होती है उसके डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन एंगल आपका कंप्लीट क्लियर है, सारी की सारी थ्योरी अपन ने इसकी पढ़ ली, तो कुछ प्यार भरी बातें और हो जाए दोस्तों। चलो कुछ प्यार भरी बातें और कर लेते हैं। तो प्यार भरी बातें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर अपन एक चीज सीखी थी, क्या जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये लाइन है ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये जाएगी तो एंगल अल्फा बीटा गामा अगर डायरेक्शन एंगल है तो इस लाइन के क्या होंगे? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा होंगे। ये पिक्चर सबने समझी। तो सिंपल वे में मैं बोल सकता हूं कि नंबर वन पे एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकता हूं कि डायरेक्टेड लाइन। अब ये डायरेक्टेड लाइन बार बार बोलता हूं, इसका मतलब हुआ कि एक लाइन है भैया, ये लाइन, ये तो लाइन है। अब इसमें मैं डायरेक्शन भी डाल दूं तो ये हो गई डायरेक्टेड लाइन। तो कोई कंफ्यूज ना हो, डायरेक्टेड लाइन बहुत आसान चीज है। अगर किसी लाइन में डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दी जाए तो डायरेक्टेड लाइन होती है। पिक्चर क्लियर? तो डायरेक्टेड लाइन है यूनिक डायरेक्शन एंगल। डायरेक्टेड लाइन हैव यूनिक डायरेक्शन एंगल्स। डियर स्टूडेंट्स, पिक्चर क्लियर हो गई आपके कि जो डायरेक्टेड लाइन होगी उसका डायरेक्शन एंगल वो होंगे जो यूनिक होंगे, केवल एक ही आएगा, अल्फा बीटा गामा। ऐसा क्यों? आप समझ गए बात? जैसे ही मैंने ये लाइन हटा दूं, ये हटा दूं, अब ये डायरेक्शन क्या हुई? इधर हुई, तो इसके यूनिक ही होंगे। एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाएगी, बीटा, और जेड एक्सिस से गामा। लेकिन अगर बात करूं मैं नॉन डायरेक्टेड लाइन की, नॉन डायरेक्टेड लाइन हैव डायरेक्शन एंगल्स। नॉन डायरेक्टेड लाइन हैव डायरेक्टेड डायरेक्शन एंगल्स। कौन कौन से डायरेक्शन एंगल रखेगी? अब देखो, जो लाइन केवल नॉन डायरेक्टेड हो, मतलब ना उसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो, जैसे मैं इसी में बता दूं या साइड में बताऊं, चलो यहां बता देता हूं ऐसे। अब जैसे ये लाइन है भैया, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, गिवन ही नहीं है डायरेक्शन। अब क्या करोगे आप? जब डायरेक्शन गिवन ही नहीं है तो डायरेक्शन अपन सोचते हैं किधर किधर हो सकती है, या तो डायरेक्शन इधर होगी या डायरेक्शन इधर होगी, या तो डायरेक्शन इधर होगी या डायरेक्शन इधर होगी। अगर डायरेक्शन इधर है तो क्या होगा? डायरेक्शन एंगल होंगे अल्फा बीटा गामा। और अगर डायरेक्शन ये हुई तो फिर डायरेक्शन एंगल क्या होंगे? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। पिक्चर क्लियर कर लो दोस्तों, कंफ्यूजन मत रखना। नॉन डायरेक्टेड लाइन हैव डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा और पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, है ना? दोनों में से कोई भी रख सकती है। पिक्चर क्लियर कर लो भाई,
क्योंकि डायरेक्शन आपको दी नहीं, मतलब या तो ये होगी या ये होगी। अगर ये डायरेक्शन है तो एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बनाएगी सपोज, तो इस वाली डायरेक्शन में पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा बनाएगी। या तो ये डायरेक्शन एंगल होंगे या ये होंगे। पिक्चर क्लियर बच्चों? तो पक्का हो गया ना, डायरेक्टेड लाइन हैव यूनिक डायरेक्शन एंगल। पिक्चर क्लियर कर ले दोस्तों, इसे नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब कुछ बातें आगे बढ़ाते हैं और अपन चलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस पे, कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। कंसेप्ट क्लियर करते जाना भैया, जल्दबाजी मत करना, स्लोली स्लोली आराम से सारी चीजें समझना। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया बाद में पंगा नहीं होगा, वरना जल्दबाजी का काम किसका होता है? शैतान का होता है दोस्तों, कि जल्दबाजी में आप इसको देख लोगे वीडियो को फटाफट, तो कुछ भी दिमाग में स्टेबल नहीं होगा। सब चीजें धीरे धीरे प्यार से समझो, है ना, क्या क्या होती है। तो बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन बहुत ही सिंपल चीज होती है। अगर डायरेक्शन एंगल आपको समझ में आ गया तो डायरेक्शन कोसाइन भी समझ में आ गया। कैसे? जो डायरेक्शन एंगल था, ठीक है, प्रैक्टिकली समझाता हूं, जो डायरेक्शन एंगल था अल्फा था, ठीक है, दूसरा क्या था बीटा था, तीसरा क्या था गामा था। सपोज मान लो डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा और गामा है भैया, तो आप इसका सिंपल सा कोस ले लो, इसका भी कोस ले लो और इसका भी कोस ले लो, तो ये क्या बन गए? डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब जो डायरेक्शन एंगल थे उनका, अगर जैसे डायरेक्शन एंगल है 20 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, सपोज ऐसे नहीं मान सकते, चलो 20, 30, 40 मत मानो क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या मानता हूँ सुनो, ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर वन होता है, तो 1/√3 माने, तो 60 1/√3 अल्फा क्या माने फिर, चलो छोड़ो उसको, चलो जो भी एक्स वाई जेड जो भी डायरेक्शन एंगल है अल्फा बीटा गामा है, तो उनके कोसाइन लेने पे क्या होगा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर कर लो माइंड में। तो सिंपल वे में समझे कि डेफिनेशन लिखना चाहे तो मैं क्या लिखूंगा, कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, कि भैया जो डायरेक्शन एंगल थे उनका कोस थीटा यानी कोसाइन, भाई कोस को आप क्या बोलते हो, फूम फॉर्म क्या होती है कोस की, कोस का पूरा नाम होता है, स्कूल का नाम होता है कोसाइन। तो मैंने कहा कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन एंगल, इसका मतलब आप क्या बोल रहा हूं, कोस ले लो डायरेक्शन एंगल के, तो डायरेक्शन एंगल के अगर कोस ले लिए तो वो क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइन। मैं अल्फा बीटा गामा मैंने क्यों नहीं सोच पाया, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, और एलएमएन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होते हैं, आगे जाके कंसेप्ट को पढ़ेंगे, तो अभी इसको रहने दो, इसके अकॉर्डिंग ही अपने को अल्फा बीटा गामा ऐसे लेने, मतलब लंबा हो जाएगा भाई, आगे बढ़ेंगे अभी छोड़, अभी सिंपल ये समझ, कोई कंफ्यूजन मत रख माइंड में, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, और ये अल्फा बीटा गामा के कोसाइन लेने पे आते हैं। चलो यहां तक की पिक्चर क्लियर। तो नंबर वन, जब इस टाइप में हो भैया, ये हो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये गया अपनी लाइन एल है, ये अल्फा बीटा एंड गामा बनाती है, तो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन डी सीज शॉर्ट में बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये होंगे भैया डायरेक्शन कोसाइन। यहीं पे नंबर टू बात कर लेते हैं, अगर डायरेक्शन चेंज कर दूं, देखो कहानी में ट्विस्ट डाल रहा हूं, अगर डायरेक्शन चेंज कर दूं, पहले कहां थी, ये से थी, है ना, जेड एक्सिस, ये वाली डायरेक्शन थी, ये वाली डायरेक्शन थी, ये एल था, अब मैं इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दूं, इस साइड में ले जाऊं, ये एल इस डायरेक्शन में ले जाऊं और इस डायरेक्शन को कैंसिल कर दूं, इसको वैलिड कर दूं, कि भैया उधर नहीं जाके लाइन इधर आना स्टार्ट हो गई, उल्टा स्टार्ट हो गई, तो इसके डीसीज क्या होंगे भैया, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस से जो एंगल बनता है उसके कोसाइन ले लो, यानी डायरेक्शन एंगल के कोसाइन ले लो, तो डायरेक्शन एंगल इस लाइन का क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, तो कोस ले लो तो कोस पाई माइनस अल्फा, ऐसे ही कोस पाई माइनस बीटा और ऐसे ही कोस पाई माइनस गामा आप लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा,
तो इस कंडीशन में अगर मैं इस दर मेरी लाइन जा रही थी तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा थे, इसके रिवर्स में चली गई लाइन जस्ट अपोजिट में, तो क्या हो गए माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। पिक्चर क्लियर दोस्तों यहां तक? चलो वेरी गुड। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मैं यहां पर कुछ प्यार भरी बातें आपके साथ और करना चाहूंगा, थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी प्यार भरी बातें। मैं अगर नंबर थर्ड पे आपको यह बोल दूं कि नॉन डायरेक्टेड लाइन के, लाइन कैसी है, नॉन डायरेक्टेड लाइन जिसकी डायरेक्शन गिवन नहीं है, आपको क्या लिखना है, डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है कि भैया डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होंगे। आपको मैं अज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं कि भैया नॉन डायरेक्टेड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे सबसे पहले गुरुदेव हमें ढूंढना पड़ेगा कि डायरेक्टेड एंगल क्या होंगे या डायरेक्शन एंगल क्या होंगे। तो डायरेक्शन एंगल नॉन डायरेक्टेड लाइन के क्या क्या होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, या क्या होते हैं, पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। पिक्चर क्लियर भाई, यही होते हैं ना भैया। तो क्या होंगे नॉन डायरेक्टेड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा, क्यों होंगे, हमने डिस्कस किया था डायरेक्शन एंगल में। अब उनके कोसाइन ले लूं तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा या क्या हो जाएंगे, माइनस कोस अल्फा मतलब पाई माइनस अल्फा होगा है ना, कोस पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। तो बार बार अपन इसको लिखे, इससे अच्छा अपन शॉर्ट में क्या लिख दें, माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा, जैसा वहां लिखा था यहां पे, माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा। बच्चों बात को समझो, नॉन डायरेक्टेड लाइन है तो डायरेक्शन एंगल क्या क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा होगा, या फिर उल्टी डायरेक्शन होगी तो पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, दोनों में से एक होगा। तो अब यहां पे मुझे मजबूरी हो गई, जब डायरेक्टेड लाइन अगर है ही नहीं, नॉन डायरेक्टेड लाइन है तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है, और पाई माइनस अल्फा को आप क्या निकाल दिखते हो, माइनस कोस अल्फा, तो मैंने माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये दोनों डायरेक्शन एंगल हो गए। तो नॉन डायरेक्टेड लाइन के डायरेक्शन एंगल क्या होंगे, दो होंगे, ठीक है, प्लस भी होंगे और माइनस भी होंगे बच्चों। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट और इसमें बता देता हूं, फिर वीडियो को खत्म करता हूं और आपको छुट्टी दे देता हूं। चलो ये लिख लिया आपने, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, प्यार हुई एक बात और बताना चाहूंगा आपको, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक प्यार भरी बात और बताऊंगा आपको। भैया लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही और आपको डीसी फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगल में कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। भैया लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, 2D में ये कंसेप्ट समझ ले ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये लाइन गई खटाक, ये डायरेक्टेड लाइन ले ली अपन ने यू, और भैया इसके डायरेक्शन कोसाइन आपको लिखना है, इसके लाइन ओरिजिन से पास हो रही है नहीं हो रही, यही तो प्रॉब्लम है कि लाइन्स नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो भैया डायरेक्शन कोसाइन आते किससे हैं, डायरेक्शन एंगल से, इसका मतलब इस लाइन के डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट कर लूं तो डायरेक्शन कोसाइंस भी आएंगे, पक्का आएंगे, और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए मुझे कृष्ण भगवान ने एक बांसुरी दे रखी है बहुत ही प्यारी है ना, उसको बजा भी सकता हूं मैं, ये वाला देखो, ये डायरेक्टेड लाइन ये है ना, ये वाला, ये डायरेक्शन मान ली ऐसे, और इस बांसुरी को अपन कहां लाते हैं, ओरिजिन से पास करवाते हैं, तो इस बांसुरी को मैं यहां से लाया, यहां से पास करवा दिया, ये पैरेलल लाइन इसके उठानी है, इसको इधर लाते हुए ओरिजिन से पास करवा दो। अब इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, सॉरी डायरेक्शन एंगल निकाल लो, सपोज अल्फा, ये बीटा और जेड एक्सिस से गामा है, इसके डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा है, क्या बोल रहा हूं, डायरेक्शन एंगल्स,
तो इसके भी डायरेक्शन एंगल क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा ही होंगे। तो अगर मुझे इसके डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा मिले तो इसके डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा होंगे। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा। तो भैया इसके डायरेक्शन एंगल सॉरी डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होंगे। तो सेम वे में इसके डायरेक्शन कोसाइन भी क्या होंगे, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। इसका मतलब दोनों तरीके से प्रूव हुआ कि कोई लाइन होती है उसके पैरेलल जितनी भी लाइंस होगी उसके डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। यानी आपको किसी लाइन जो स्पेस में पास होती है ओरिजिन से नहीं होती, कोई स्पेस में एक लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं होती, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए या डायरेक्शन एंगल निकालने के लिए उसको पैरेलल रखते हुए ओरिजिन से पास करवा दे, तो उस लाइन के जो डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो के वही दूसरी वाली लाइन के होंगे। तो पिक्चर क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, क्या हुआ कि हमारी जो साइंटिस्ट थे बड़े आलसी थे, है ना, तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी भाई, बड़ी दिक्कत होती थी लिखने में। अब कोस अल्फा कोस बीटा गामा कितनी दिक्कत होती है, तो अपन ने क्या किया, इसको मान लेंगे इन फ्यूचर अपन एल एम और एन से शो करेंगे। यानी कोस अल्फा जो डायरेक्शन कोसाइन था उसको एल से, कोस बीटा को एम से, एन को कोस गामा से। अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्स वाई और जेड एक्सिस से जो लाइन एंगल बनाती है वो अल्फा बीटा गामा है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, है ना, डियर स्टूडेंट्स, ये अपना वीडियो यहीं खत्म करते हैं, लेंथ ज्यादा हो रही है। इसमें अपन ने डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन समझा। अब सीधी सीधी बात है, नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आप बहुत सारे कमेंट सेक्शन में छोड़ेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करेंगे, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 3D पे, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। तो टोटली डिपेंड करता है आप कितना जल्दी रेस्पॉन्स करते हो, उतना जल्दी वीडियो मिलेगा। तो प्रोजेक्ट एजुकेशन पे देखते रहिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो। थैंक यू वेरी मच।